वगैरह लिया था आपने, और इधर चलते दुकान की तरफ चल दिया। देखो ये चलते हैं दुकान की तरफ, इधर दुकान में जा रहा है और इसके साथ मोटरसाइकिल यहाँ के लिए खुली दुकान, हाँ ये अंदर नहीं है और अभी वापिस जाएगी। ये जो निकले हैं इन पर शक्किया जा रही है लोगों को, सकते हैं पंद्रह करने पर प्लेट को से बस पकड़ जाए ना अर्जी पे क्या पूरी क्या रही है इसकी सिल्वर सिल्वर कलर की है। पुलिस जिंदे रहा है जी, पुलिस जिंदे रहा है पुलिस रहा है अकेले इसमें पैंट में दोनों पैंट में दोनों हेलमेट ले रही। हाँ आरोपी जो है किसी भी वारदात को अंजाम दे। और आज की जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, तो हमारी आप लोगों से अपील है खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, आज की खबर जो है घरोंडा के अनाज मंडी की, जहां दिन दहाड़े दो बदमाश युवक जो है बाइक पर आते हैं और किस तरीके से दुकान नंबर 147 से दिन दहाड़े वो नकदी का गल्ला जो है लेकर फरार हो जाते हैं। जैसा कि जो दुकान के मालिक है उनका कहना था कि उस गल्ले में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा की नकदी पड़ी थी जो कि वो युवक जो है लेकर फरार हो गए हैं। हालांकि पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरा में कैद जरूर हुई है और उसमें दिखा है किस तरीके से दो युवक आते हैं हेलमेट पहनकर दुकान के अंदर घुसे, गल्ले से जो गल्ला उठाकर कैश का जो गल्ला था वो उठाकर फरार हो गए। और हालांकि जो दुकान के मालिक है उनका ये कहना था कि जब इस वारदात को अंजाम दिया गया उस समय वे मंडी के अंदर कनक को तोलने का काम वहां पर करवा रहे थे, इसके चलते वो दुकान पर नहीं मौजूद थे। लेकिन उन्होंने आकर देखा तो उनको वहां पर अपना गल्ला नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक की तो उसमें साफ साफ दिखा किस तरीके से दो युवक बाइक पर आए। तो हमारी आप लोगों से अपील है ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हालांकि पूरी इस वारदात की जब जानकारी पुलिस को दी गई तो डीएसपी मौके पर पहुंचे अपनी टीम के साथ और आगे की जो भी पुलिस कार्यवाही है वो शुरू कर दी गई है। उर्वशी चावला, कर्नाटक न्यूज, करनाल। जी, नाम बताना मुझे अपना। नरेश कुमार। तो कैसे क्या हुआ नरेश कुमार? मैं यहाँ से माल लोड करवा रहा था, तो लोड करवाने के बाद मैं अंदर आके देखा गल्ला गायब था। कितनी नकदी थी जी? हो गया अंदाजा 1-1.5 लाख अंदाजा। तो कुछ कैमरों में रिकॉर्ड हुआ इसमें? कैमरा में आ रहा है, इसमें क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा दो आदमी है, सिल्वर रंग की मोटरसाइकिल है और उन उसका गले के ऊपर सफेद ओढ़क रखा, फिर एक चादर लेकर प्लेट पर नंबर प्लेट पर चादर के रखी, फिर ऐसे गए। आज मंडी में करीब 1:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी 147 नंबर दुकान नरेश कुमार कमिश्नर एजेंट की है, वही दो व्यक्ति उसमें आए और गला उठा करके ले गए। हमने जाकर मौका देखा तो वो वहाँ गला गायब हो गया, तो उसके बारे में पूछताछ की है। नरेश कुमार कमीशन एजेंट है, उसने बताया भाई मैं अपने ट्रक की लोडिंग कराया था तो पीछे से मैं थोड़ी देर हुई जब दुकान में गया तो मेरा गला वहाँ से गायब हो गया। तो उसमें सीसीटीवी फुटेज हमने देखी है, उसमें दो लड़के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आए थे और वो बीच में गले को कपड़े में सफेद कपड़े में बांध करके उठा करके ले गए, तो इसमें केस दर्ज कर लिया गया और इन्वेस्टिगेशन। हमारे कैंटीन में Thank you.
अभी आप भी तस्वीरें देख रहे हैं उधर बड़े दिनों से वो मलेशिया गया वो जाकर अभी पहनेगा वो गल्ला बैठा तो जाएगा हाँ हाँ दिखाई देखते हो वो तो हेलमेट पहन लिया उसने वहीं पे